नमस्कार, मैं दिव्या धरादत। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। दरभंगा के प्रसिद्ध डॉक्टर दंपति डॉक्टर मृदुल शुक्ला और उनकी पत्नी डॉक्टर गुंजन शुक्ला के विभिन्न ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। गुरुवार को दरभंगा के दिग्गी स्थित आईबी स्मृति आरोग्य सदन हॉस्पिटल दालान रिजॉर्ट के अलावा आयकर विभाग की एक टीम ने झंझारपुर स्थित दंपति के पैतृक आवास पर भी कार्रवाई के लिए पहुंची है। दरभंगा में 12 गाड़ियां और उनके पैतृक आवास पर 3 गाड़ियों से आयकर विभाग की टीम गुरुवार सुबह 9 बजे एक साथ पहुंची। बताया जा रहा है कि दरभंगा में छापेमारी कर रही टीम में 2 दर्जन से अधिक अधिकारी हैं। इस दौरान किसी को भी बाहर अंदर जाने की इजाजत नहीं है। आने वाले बजट में भारतीय रेलवे के लिए कई बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अगले बजट में रेलवे के लिए 35 हाइड्रोजन ईंधन वाली ट्रेनों को शुरू करने का प्लान, 400 से 500 वंदे मातरम ट्रेनें, लगभग 4000 नए डिजाइन वाले ऑटोमोबाइल कैरियर कोच और करीब 58,000 वैगन शामिल करने का ऐलान किया जा सकता है। इन सभी को अगले 3 सालों में पटरियों पर उतारा जा सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को समाधान यात्रा के दौरान बक्सर पहुंचे हुए थे। इस दौरान मुख्यमंत्री के काफिले के लिए ट्रेन रोकी गई थी। इसको लेकर बिहार में राजनीति शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे इस मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर गुरुवार को मीडिया ने सीएम नीतीश कुमार पर सवाल किया है। इस पर उन्होंने कहा है कि कहां किसको रोका गया, कौन सी ट्रेन रोकी गई, हमें नहीं पता, हमें पहली बार जानकारी मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाराष्ट्र यात्रा को लेकर मुंबई पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मुंबई पुलिस ने पीएम की सुरक्षा में अपने 4,500 कर्मियों को पश्चिमी उपनगरों में तैनात किया है। मुंबई पुलिस ने प्रधानमंत्री की महाराष्ट्र की यात्रा से पहले राज्य रिजर्व पुलिस बल की 4 इकाइयों और दंगा विरोधी दस्ते और रैपिड एक्शन फोर्स की 1-1 इकाई की तैनात की घोषणा की है। बिहार की राजधानी पटना के एसपी वर्मा रोड के पास स्वामी नंद चौराहे पर सुरवीर महाराणा प्रताप की 10.5 फीट की प्रतिमा स्थापित की गई। यह प्रतिमा एक कांस्य प्रतिमा है जिसमें महाराणा प्रताप को घोड़े पर सवार दिखाया गया है। यह प्रतिमा कल बनकर तैयार हुई और आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस प्रतिमा का अनावरण किया। कांग्रेस के दिन फिलहाल खराब चल रहे हैं क्योंकि पार्टी के दिग्गज नेता लगातार उसे छोड़कर जा रहे हैं। हाल ही में पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली है। बीजेपी में शामिल होकर मनप्रीत सिंह ने कहा कि आप उस पार्टी के साथ कैसे काम कर सकते हैं जो खुद से युद्ध कर रही है। नागालैंड में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी राजद ने बड़ा निर्णय लिया है। राजद इस चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारने जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल यहां अधिक से अधिक 11 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, नहीं तो कम से कम राजद यहां 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस बात की जानकारी खुद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और नागालैंड प्रभारी ने दी है। सुप्रीम कोर्ट ने विकिपीडिया जैसे ऑनलाइन जानकारी स्रोतों की विश्वसनीयता पर मंगलवार को बड़ी बात बोली है। जोर देकर कहा गया है कि कानूनी विवादों में विकिपीडिया को भरोसेमंद नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बात कहने का कारण यह भी है कि ज्ञान का भंडार होने के बावजूद ये स्रोत किसी खास भरोसेमंद स्रोत की बजाय क्राउड सोर्स और उपभोक्ताओं द्वारा तैयार संपादन मॉडल पर आधारित है। ऐसे में ऐसी जानकारी अकेडमिक पुष्टि के मामले में पूरी तरह से भरोसेमंद नहीं है। हिंदुओं के धर्मग्रंथ रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली, पटना, गया, आरा, नवादा, भभुआ, सासाराम के बाद अब उनके गृह जिले मधेपुरा में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन ने 2019 के बाद फिर से नया कास्ट डाटा बुक का प्रस्ताव तैयार किया है। इस आधार पर प्रबंधन ने बिजली उपभोक्ता सामग्रियों की दरों में 15 से 20% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग में दाखिल किया है। प्रस्ताव मंजूर होता है तो बिजली कनेक्शन लेना और महंगा हो जाएगा। देश के 9 बेहतरीन शहरों में अयोध्या भी शुमार किया गया है। केंद्र सरकार की बेस्ट 9 सिटी चैलेंज योजना में शामिल करने के लिए केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय गंभीरता से इस पर विचार कर रहा है। अयोध्या विकास की नई इबारत लिख रहा है, इसलिए जल्द ही इसे देश के बेहतरीन 9 शहरों में शुमार किया जाना है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय के सामने कहा कि गूगल द्वारा एंड्रॉयड मामले में कई बाजारों में अपने दबदबे की स्थिति के दुरुपयोग का मुद्दा राष्ट्रीय महत्व का है और दुनिया यह देख रही है कि भारत कैसे इस मामले से निपटता है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी तथा न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ से सीसीआई की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन ने कहा कि अदालत को मामले की सुनवाई करनी चाहिए और गूगल को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण में 2 पारियां नहीं दी जानी चाहिए। वित्त मंत्रालय का एक कर्मचारी जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुआ है। आरोपी सुमित डेटा एंट्री ऑपरेटर है और वह कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पैसों के बदले वह संवेदनशील जानकारी दूसरे मुल्कों को देता था। आरोपी के पास से एक मोबाइल जब्त किया गया। सीक्रेट जानकारी इसी फोन से साझा कर रहा था।
श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बुधवार शाम को कई यात्रियों की ओर से जमकर हंगामा किया गया। ये सारे यात्री सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, मगर यहां आकर उन्हें पता चला कि शाम 7:55 पर जाने वाला स्कूट एयरलाइन का विमान अपने समय से 5 घंटे पहले यानी 3 बजे ही उड़ान भर चुका है। युवा मामले में खेल मंत्रालय ने दिग्गज पहलवानों द्वारा भारतीय कुश्ती महासंघ पर लगाए गए आरोपों को संज्ञान में लेते हुए महासंघ से अगले 72 घंटों में स्पष्टीकरण तलब किया है। मंत्रालय ने बुधवार को विज्ञप्ति जारी कर कहा है, पहलवानों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और कोंजों पर लगाए गए महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न एवं महासंघ के कामकाज में कुप्रबंधन के आरोपों पर खेल मंत्रालय ने WFI से स्पष्टीकरण मांगा है और लगाए गए आरोपों पर अगले 72 घंटों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। अगर ट्विटर ने अपने ब्याज का भुगतान नहीं किया तो एलन मस्क के लिए परिणाम तत्काल और गंभीर होंगे, यह बात ब्लूमबर्ग के एक रिपोर्ट में कही गई है। मस्क ट्विटर में अनुमानित 79% के मालिक हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि एलन मस्क के अकाउंट समेत सभी अकाउंट्स को मिलाकर ट्विटर के पास अपने पहले ब्याज भुगतान के लिए पर्याप्त से अधिक ही पैसा है। यह अमाउंट कुल मिलाकर $30 करोड़ होने का अनुमान है। अगर आपका भी अगले हफ्ते बैंक जाने का प्लान है तो यह आपके लिए बहुत जरूरी खबर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक अगले हफ्ते 7 से 5 दिन बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में अगर आपको अपना कोई भी जरूरी काम निपटाना है या ब्रांच जाना है तो पहले ही चेक कर लें कि आपके शहर में बैंक खुलेंगे या फिर बंद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के अध्यक्ष और सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों के जीवन और आजीविका से जुड़े मसले की लिस्टिंग के संबंध में पत्र लिखा है। एडवोकेट विकास सिंह ने कहा है कि हमारे साथ भी सामान्य याचिकाकर्ताओं जैसा व्यवहार किया जा रहा है और भेदभाव बढ़ता जा रहा है। जिस तरह की तरजीह मिलनी चाहिए वैसी नहीं मिल रही है। देश की पहली रैपिड रेल यानी RRTS का आज से फुल स्पीड टेस्ट रन शुरू होगा। इस दौरान ट्रेन को 160 किलोमीटर स्पीड से दोहराया जाएगा। ट्रेन रोजाना प्राथमिक खंड यानी साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच दौड़ेगी। हालांकि नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एक दिन पहले ही ट्रेन को प्राथमिक खंड में चलाया गया है, लेकिन आज से पूरी तरीके से टेस्ट रन शुरू किया जाएगा। नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 21 जनवरी को पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड टीम के खिलाड़ी हैदराबाद में पहला वनडे मैच खेलने के बाद गुरुवार शाम 4:30 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। इसके बाद सीधे खिलाड़ी कोर्टयार्ड मैरियट के लिए रवाना होंगे। दोनों ही टीम के खिलाड़ी 20 जनवरी को अभ्यास करेंगे। इसके बाद दूसरे वनडे मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम आ रही है। चीन की नई चाल भारत के साथ जल युद्ध लड़ने की है। वह भारत को सूखे या फिर बाढ़ से नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसके लिए चीन अरुणाचल प्रदेश सीमा के पास यारलुंग जंगबो नदी यानी ब्रह्मपुत्र पर 60,000 मेगावाट का डैम बना रहा है, जिसने भारत की चिंता बढ़ा दी है। केंद्र सरकार को लेकर भारतीयों के भरोसे में काफी इजाफा हुआ है। भारत में सरकार और कारोबार क्षेत्र में इंडियन का भरोसा काफी बढ़ गया है, लेकिन मीडिया और गैर सरकारी संगठनों को लेकर उनके भरोसे में गिरावट देखने को मिली है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक के मौके पर जारी किए गए वार्षिक इडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर रिसर्च के मुताबिक भारत सरकार कारोबार गैर सरकारी संगठनों और मीडिया में औसतन 73% भरोसे के साथ सूचकांक में 4th स्थान पर बना हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कोविड संक्रमण के नए आंकड़े पेश किए हैं। कोविड के नए आंकड़ों के अनुसार भारत में एक दिन में कोविड 19 के 134 मामले दर्ज किए गए, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,962 रह गई है। भारत में अब तक कुल 4.46 करोड़ कोविड मामले दर्ज किए गए। सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों में मरने वालों की संख्या 5,30,728 थी। ओडिशा में खेले जा रहे हॉकी विश्व कप में आज टीम इंडिया का मुकाबला वेल्स से होना है। भारत को हॉकी विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में सीधे प्रवेश के लिए आज वेल्स पर बड़ी जीत दर्ज करनी होगी। यह मैच शाम 7 बजे से खेला जाएगा। फिलहाल पूल डी में भारत और इंग्लैंड के 4-4 अंक है, लेकिन इंग्लैंड से ज्यादा गोल करने की वजह से टॉप पर मौजूद है। पूल डी में अंतिम स्थान पर चल रहे वेल्स की टीम है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जमकर तारीफ की है। उनकी तरफ से कहा गया है कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है, उनको लेकर जो धारणा बनाई गई है वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने यहां तक कहा कि राहुल को कई मुद्दों पर काफी जानकारी है। रघुराम राजन की तरफ से मीडिया से खास बातचीत के दौरान उन्होंने ये सब बात कही गई है। ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड के सदस्य लॉर्ड रामी रेंजर ने बुधवार को अपने ट्वीट में BBC को लेकर निशाने पर लिया है। दरअसल BBC ने अपनी नई सीरीज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। लॉर्ड रामी रेंजर ने अपने ट्वीट में लिखा कि BBC न्यूज अपने भारत के करोड़ों लोगों को भावनाओं को आहत किया है
और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित भारत के प्रधानमंत्री, भारतीय पुलिस और भारतीय न्यायपालिका की भी बेइज्जती की है। हम दंगों और लोगों की मौत की निंदा करते हैं, लेकिन हम आपकी पक्षपात पूर्ण रिपोर्टिंग की भी निंदा करते हैं। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के समिट के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन पर बड़ी टिप्पणी की है। रघुराम राजन भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार की ज्यादातर पॉलिसीज के आलोचक रहे हैं। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के बारे में कहा है कि वे एक कठिन कार्य कर रही हैं। ऐसे में मैं अच्छे या बुरे के रूप में उनके कार्य का मूल्यांकन करने वाला कोई नहीं होता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि भारतीय राजनीति में उनके जैसे लोगों की अधिक आवश्यकता है। मालूम हो कि जेसिंडा अर्डन ने आज सुबह ही अपना पद छोड़ने की घोषणा की है, जिसके बाद देश दुनिया में इसको लेकर चर्चाएं चल रही है। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर हर साल आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस परेड को देखने दिल्ली ही नहीं देश भर से लोग आते हैं। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह की परेड में 50 विमान हिस्सा लेंगे, जिसमें 9 राफेल और नेवी के IL-38 का हवाई प्रदर्शन होगा, जिसे पहली और शायद आखिरी बार प्रदर्शित किया जाएगा। दिल्ली सरकार और LG के बीच अधिकारियों की तैनाती और तबादले के अधिकार पर राज के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में सुनवाई पूरी की गई है। केंद्र सरकार ने अपनी दलील में कहा कि अधिकारियों पर नियंत्रण का अधिकार देकर दिल्ली को अराजक हाथों में नहीं दिया जा सकता है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अर्जुन प्रसाद, नुन्नू गोलू कुमार, अशरफी मंडल, अनवर हुसैन, रवि शंकर, जुबैर आलम, अखिलेश यादव, MD साकिर हुसैन, MD नौसाद रजा और रवि मोहन शर्मा। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार को कौन से कदम उठाने चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।